और प्रातः श्री के चरण स्पर्श कीजिए। नहीं उत्तम, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो हम मित्रों की चेष्टा थी ना। तो तुम इन सूतों को विद्रोह करना सिखा रहे हो? नहीं मध्य महोदय, मैं तो केवल इनके सामर्थ्य को आत्मसम्मान का ज्ञान देता हूं। विरोध तो आपका अहंकार सिखाता है। जय दुर्गा। मध्यम महोदय, इस समय अधिरथ के पुत्र का न्याय करना ही होगा, अन्यथा सारे क्षत्रियों का सम्मान नष्ट हो जाएगा। किंतु महोदय, किंतु परंतु का समय नहीं है अशोक। धनुष और बाण के साथ साथ तुमने बालक की कला भी देख ली है। आज मध्यम महोदय ने भी देख लिया कि वो बालक दिव्य भी है। किंतु एक छोटे बालक से भय कैसा? रोग, ऋण और शत्रु जब उग रहे हो तभी नष्ट करना अनिवार्य होता है। यदि इस बालक का धनुष आज नहीं छुड़वाया गया तो कल हमें सत्ता छोड़नी होगी। किंतु एक बालक को कैसे दंड दे सकते हैं, जबकि एक राजा भी 9 वर्ष के बालक को दंड नहीं दे सकता। बालकों को तो शिक्षण दिया जाता है। पीड़ा ही शिक्षण देने का सबसे उत्तम मार्ग है, जानते हो ना। उस बालक को ऐसी पीड़ा देनी होगी कि जीवन भर उसके स्मरणों से रक्त बहता रहे। तुमने उसके ताऊ से दिव्य रथ प्राप्त किया था ना? ये रहा वो दिव्य रथ, जिस दिन से लिया उस दिन से टूटा पड़ा है। उसने कहा था कि यदि आपका हृदय शुद्ध रहेगा तभी ये रथ दिव्य रहेगा, अन्यथा ये सामान्य हो जाएगा। मूर्ख हो तुम, जिस तरह निम्न जाति में समर्थ नहीं होता उसी तरह नीम की काट से रथ नहीं बनता। चलो, तुम्हें ठगने के अपराध के लिए उसे बंदी बनाते हैं। कर्ण अपने ताऊ से बहुत प्रेम करता है, ताऊ की मृत्यु को वो कभी नहीं भूल पाएगा। ताऊ, भ्राता का दिव्य कवच देख के माता भयभीत क्यों हो गई? दिव्य पुत्र शोन, नई और अनजान वस्तु के प्रति मनुष्य का पहला प्रतिभाव भय ही होता है। जो वस्तु मनुष्य समझ नहीं पाता उससे या तो वो अंतर कर देता है या तो उसका नाश करने का प्रयत्न करता है, समझे? पकड़ लो इस पाखंडी को। दिव्य रथ के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाता है। मूर्ख? पूरा दिव्य ही है, उसमें से निकलता हुआ प्रकाश तो तुमने स्वयं देखा ही था। पकड़ लो इसे। नहीं, नहीं,
अजय महोदय, भ्राताश्री का अपराध क्या? ठगाई की है इसने दिव्यरथ के नाम पर। तो धन लौटा दूंगा, बंदी बनाने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न धन का नहीं है, प्रश्न है न्याय का। पकड़ लो इसे। नहीं, नहीं, नहीं। महोदय, ये ठगाई के अपराध का दंड मृत्यु है उच्चसेन। किंतु यदि मैंने अपराध किया है तो मुझे राजा के समक्ष उपस्थित करो। आप कैसे न्याय कर सकते हो? यह अन्याय है। शक्तिमान जो करता है न्याय ही होता है। किंतु यदि तुम मुझे वचन दो कि कर्ण कभी जीवन में धनुष का स्पर्श नहीं करेगा, अपनी दिव्यता प्रकट नहीं करेगा, तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। तो ये कारण है। बच्चे से भयभीत हो गए महारथी। भय नहीं, चिंता उच्चसेन, चिंता।
धर्म और परंपरा के रक्षण की चिंता और क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। कर्ण तुम्हारी बात मानेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मुझे वचन दो कि तुम कर्ण का धनुष छुड़वाओगे, अन्यथा प्राण दो। नहीं, कर्ण के रोम रोम में धनुष का प्रेम बसा है। उसके जीवन भर का सुख से नहीं जी सकता। चल चल जाने दो मुझे। मध्यम, ईश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। अभी भी मैं तुम्हारे बंधन खोलकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। वचन दो जसेन कि कर्ण का धनुष छुड़वा कर रहोगे। वचन दो जसेन, वचन दो।
राधा, हमें इसी समय गांव का त्याग करना होगा। जितने भी वस्त्र है, मूल्य एवं वस्तु है, सब बांध लो। मैं जाकर रथ तैयार करता हूँ। कर्ण, दांव का ध्यान रखना। माता, छुपने की कोई आवश्यकता नहीं है। राधा कर्ण उन सबको पराजित कर सकते हैं। मूर्ख मत बनो शोन, ये तो दिव्यता लेकर जन्मा है, इसे कोई घाव नहीं हो सकता है। किंतु तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है शोन। कितनी बार समझाया, हमें धनुष उठाने का अधिकार ही नहीं है, किंतु ये समझे तब था। पता नहीं किस जन्म की शत्रुता लेकर आए मेरे घर में। ये बहुत बालक समझता ही नहीं है कि ये हम सबकी मृत्यु का कारण बन सकता है। शीघ्र कीजिए राधा, छोड़।